हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ डिटेल्स ऑफ इग्निस और स्विफ्ट के सेम प्राइस में मिलने वाले वेरिएंट्स के बारे में। आप अकॉर्डिंगली जो इसके अदर वेरिएंट्स हैं उनको भी आप सिमिलरली चेक कर सकते हो। मैं आपको कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से जिसमें बेनिफिट है, जो दोनों में फ़ीचर्स मिलती हैं, वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ये जेटा वेरियंट है और जेटा AGS में है, BS6 फेज 2 वाली जो है गाड़ी वो है। और इसका एक्स शोरूम प्राइस गुड़गांव हरियाणा में 7.51 लाख है और सिमिलर प्राइस आपको स्विफ्ट VXI AGS का मिलता है। अब आपको इग्निस लेने में क्या चीज़ें एक्स्ट्रा मिलेंगी और क्या चीज़ें स्विफ्ट में आपको डिफरेंट मिलेंगी या एक्स्ट्रा मिलेंगी, वो मैं डिटेल से आपको एक बार शेयर कर देता हूँ। अगर हम एक्सटीरियर से बात करते हैं, फ्रंट से, तो दोनों ही गाड़ियों में कंपनी से हैलोजन हेडलैम्प्स मिलते हैं, बट आपको इग्निस के अंदर फोग लैम्प्स मिलेंगे, स्विफ्ट के अंदर आपको फोग लैम्प्स नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट एड ऑन है साइड क्लैडिंग्स। जो ये क्लैडिंग्स आप देख रहे हो, ये स्विफ्ट के अंदर नहीं मिलेगी, इग्निस के अंदर आपको मिलेगी सेम प्राइस के अंदर। और इसके अंदर आपको 15 इंच का अलॉय मिलेगा और इसके व्हील का जो साइज़ है, जो विड्थ है, वो ज़्यादा है। इसके अंदर 175/65 का मिलेगा, जो कि स्विफ्ट के अंदर आपको 165 का मिलेगा 14 इंच के स्टील व्हील्स विद व्हील कैप। तो इन व्हील्स की जो कीमत है वो अराउंड 24,000 होगी अप्रोक्स, तो ये एक डिफरेंस आएगा मेजर। उसके बाद कीलेस एंट्री आपको इसके अंदर मिलेगी, स्विफ्ट VXI में आपको नहीं मिलेगी। स्विफ्ट के अंदर ऑटो फोल्डिंग मिरर आई थिंक है, नॉट श्योर, बट इसके अंदर तो है ऑटो फोल्डिंग एंड एडजस्टेबल बोथ। रूफ रेल आपको स्विफ्ट में नहीं मिलेंगी, रियर स्पॉइलर आपको स्विफ्ट में नहीं मिलेगा, इसके अंदर मिल रहा है। एंड रियर में अगर हम जाते हैं तो रियर वॉशर, डीफोगर और वाइपर तीनों चीज़ें मिलेंगी। इवन बूट के अंदर भी आपको यहाँ पे जो है रिक्वेस्ट सेंसर ये मिलेगा, यहाँ पर है। सो ये तो हो गया बाहर का। अब हम इंटीरियर में फ़ीचर्स देख लेते हैं कि जो आपको इग्निस में एक्स्ट्रा मिल रही है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको स्विफ्ट में बेटर मिलेंगे, वो मैं आपको बाद में डिटेल शेयर करता हूँ। अब हम इंटीरियर में जब आते हैं तो दोनों ही गाड़ियों के अंदर अब दोनों ही गाड़ियों के अंदर अब जो टेम्परेचर गेज है वो नहीं आती है। आपको टेम्परेचर के लिए केवल एक लाइट मिलती है, अगर गाड़ी आपकी ओवरहीट हो गई है तो वो लाइट जो है वो ऑन हो जाएगी। अभी गाड़ी स्टार्ट हो गई। इंटीरियर में जब हम आते हैं तो आपको मेन डिफरेंस दिखता है म्यूजिक सिस्टम के अंदर। इसके अंदर आपको मिलेगा टच स्क्रीन, जबकि स्विफ्ट के अंदर आपको मिलेगा नॉर्मल स्टीरियो। AC कंट्रोल दोनों के अंदर मैनुअल है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो मीटर सेम मिलेगा इसके अंदर, एक क्योंकि ये AGS है तो इसके अंदर ट्रैक्शन कंट्रोल्स इसके अंदर अब दे दिए गए हैं सभी गाड़ियों में। और इसके अंदर हिल होल्ड फंक्शन भी है। तो इंटीरियर के अंदर इतने मेजर चेंजेस नहीं मिलेंगे। हाँ, एक डिफरेंस जो मैटर करता है कुछ लोगों के लिए, आल्दो मेरे लिए ज़रूर करता है, वो है ड्यूअल टोन इंटीरियर। इसका इंटीरियर जो है वो ड्यूअल टोन है ब्लैक एंड वाइट के अंदर, सो ये थोड़ा सा अच्छा फील आपको अंदर देता है। इसके अंदर जो स्टेयरिंग आता है ये वही आता है जो वैगनार और एस्प्रेसो के अंदर आता है। स्विफ्ट के अंदर डिफरेंट स्टेयरिंग व्हील आता है और इसके चारों AC वेंट्स के ऊपर आपको क्रोम इंसर्ट्स मिलेंगे और डोर ओपन के लिए जो हैंडल्स हैं ये भी क्रोम के मिलेंगे। जो डोर हैंडल है और गियर लीवर के आसपास वाला जो कंसोल है ये भी आपको कलर मिलेगा। अब मेरी गाड़ी क्योंकि वाइट है तो उसमें इन्होंने ग्रे कलर दिया है, बट अब अगर आप कोई स्पेसिफिक अलग कलर लेते हो इससे अलग, वाइट से अलग, तो उसके अंदर ये आपको गाड़ी के कलर का मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप ब्लू लेते हो, नेक्सा ब्लू, तो ये नेक्सा ब्लू कलर का ही आपको ये मिलेगा और ये भी सेम कलर में आपको मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। अब म्यूजिक सिस्टम की जहाँ तक बात आती है, इसके अंदर 4 स्पीकर विद 2 ट्यूटर्स मिलते हैं। तो आपको ओवरऑल ये तो हो गया इग्निस के अंदर। अब जो डिफरेंस आएगा आपको स्विफ्ट लेने में, जो बेनिफिट मिलेगा वो होगा इंजन पॉइंट ऑफ व्यू से।
अब इस गाड़ी के अंदर जो इंजन आता है ये आता है K12B और उसके अंदर आता है ड्यूअल जेट। अब इसका इंजन जो टॉर्क निकालता है वो तो सिमिलर है 113 बोथ स्विफ्ट में भी इसमें भी, लेकिन जो BHP है वो इसके अंदर आती है 82 और उसके अंदर आती है 88। और दूसरा सेकंड जो डिफरेंस आता है वो आता है फ्यूल एफिशिएंसी के अंदर। चलो टॉर्क सेम है तो आपको वैसे गाड़ी की ड्राइविंग में डिफरेंस पता नहीं लगेगा, बट उसकी जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो कंपेरेटिवली इससे थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी, 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर के आसपास आपको डिफरेंस उसमें आराम से मिल जाएगा। और उससे अलग फिर कुछ लोगों का टेस्ट होता है एक ड्राइविंग के हिसाब से। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी को गाड़ी मॉडिफाई करवानी है या उसको थोड़ी सी अलग दिखना है तो वो फिर लोअर मॉडल लेके उसको कस्टमाइज़ करवा सकते हैं। वो सिमिलर चीज़ें हैं, लेकिन स्विफ्ट के लिए आपको मोड्स ज़्यादा मिल जाएंगे क्योंकि वो लार्जेस्ट सेलिंग गाड़ियों में से एक है इंडिया में, तो अबाउट 10,000 उसकी यूनिट हर मंथ बिक जाती हैं। तो उस केस में आप जितने करोल बाग लेके जाते हो या कहीं लेके जाते हो तो उसके लिए आपको ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। इसके लिए आपको सर्च करनी पड़ती हैं, बेसिक एसेसरीज सारी अवेलेबल होती है लेकिन स्पेशल मोड्स के लिए इसके अंदर नहीं मिलती हैं। दूसरी ड्राइविंग हो गई है स्विफ्ट के लिए, जो ड्राइविंग है वो थोड़ी सी फास्ट ड्राइविंग के लिए है, जो रेस ड्राइविंग करते हैं उनके हिसाब से थोड़ी सी ठीक मानी जाती है। ये थोड़ी टालबॉय डिज़ाइन में आ जाती है तो हर कोई इसको पसंद नहीं करता है। इसके अपने बेनिफिट हैं, टालबॉय डिज़ाइन है, साथ में ग्राउंड क्लियरेंस इसकी ज़्यादा है, 185 की है, तो ये जो बैड रोड होते हैं, ख़राब पैचेज होते हैं, उन पर बड़ी ईजीली चलती, कहीं लगने का कोई डर नहीं होता, बड़े रिलैक्स होकर आप इसको चला सकते हो। सो ये डिटेल्स हैं दोनों के सिमिलर वेरिएंट्स की। अब आ गया प्राइस का। प्राइस मैंने बताया था कि दोनों के प्राइस में गुड़गांवा में स्विफ्ट VXI AGS और इग्निस जेटा AGS में 1,000 रुपीज़ का डिफरेंस है, 1,000 रुपये का। लेकिन जब ऑन रोड ये आती हैं तो डिफरेंस काफ़ी बढ़ जाता है। रीज़न, क्योंकि इग्निस के ऊपर आपको मिलता है अच्छा खासा डिस्काउंट और स्विफ्ट के अंदर आपको उतना डिस्काउंट मिलता नहीं है। तो ऑन रोड आते आते ज़्यादा फीचर होने के बावजूद आपको इग्निस तकरीबन 50,000 या 60,000 लेस की पड़ेगी एज कम्पेयर टू स्विफ्ट, जो कि एक मेजर डिफरेंस आ जाता है। अब अगर आप VXI स्विफ्ट के कंपेरेटिवली इग्निस का डेल्टा वेरिएंट लेते हो और उस पर टोटल डिस्काउंट आप मैच करते हो तो सिमिलर फीचर के साथ जो आपको स्विफ्ट VXI में मिल रही है उसे कुछ ना कुछ फीचर ज़्यादा ही हैं डेल्टा वेरिएंट के अंदर। उसके अंदर भी आपको रूफ रेल और रियर स्पॉइलर मिल जाता है, तो एक्स्ट्रा फीचर के साथ आपको वो गाड़ी तकरीबन 1,00,000 रुपये के डिफरेंस में आपको ऑन रोड आ जाएगी। सेम सेगमेंट, सेम साइज़, ऑलमोस्ट सेम कॉन्फ़िगरेशन और गाड़ी के प्राइस में डिफरेंस। और ये नेक्सा का प्रोडक्ट है, थोड़ा प्रीमियम माना जाता है और इसकी सर्विसेज भी आपको बाई करते टाइम जो आपको एक डिफरेंस दिखेगा वो दिखेगा, क्योंकि नेक्सा में एक अच्छे से ट्रीट करते हैं और प्रोसेस थोड़ा स्मूथ रहता है। सो फ्रेंड्स, अगर कोई और डिटेल आपको चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं शेयर कर दूँगा डिटेल्स। थैंक यू।